यही है इसका मेन मंदिर। और तो हम अभी निकल रहे हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर व्लॉग। तो आज मैं दिल्ली से कोलकाता ट्रैवल कर रहा हूँ। अभी थोड़ा मेरे साथ सीन हो गया कि मेरे पास डिजी लॉकर नहीं था एंड आईडी जो था वो ओरिजिनल मेरे पास नहीं था, तो वही थोड़ा बहुत दिक्कत हो गया मेरे को। तो अगर आप फ्लाइट से सफर कर रहे हो तो या तो डिजी लॉकर आप डाउनलोड करके रखो या तो कोई आप ओरिजिनल लेके कैरी करो। तो गाइस कल मैं ब्लॉग बिल्कुल नहीं बना पाया क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत खराब हो गया और टाइम भी नहीं हो पाया, थोड़ा लेट भी हो गए थे हम। तो फिर आज हम जा रहे दक्षिणेश्वर काली, पहला कलकत्ता का बड़ा फेमस दक्षिणेश्वर काली मंदिर, तो वहां पर पहले विजिट कर रहे हैं एंड वहां पर घूमते हैं देखते हैं। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है भाई। हम मंदिर में घुस रहे हैं, बहुत लंबा रास्ता है भाई, बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है, बहुत ज़्यादा नहीं, मेंटेनेंस अच्छा कर रखा है एंड बना बहुत अच्छा लगा है, मतलब बनाने का रास्ता और जो दुकान वगैरह है बहुत साफ सुथरा है। तो गाइस यहाँ पर जब आते हैं ना तो ऐसी कुछ दुकानें होती हैं यहाँ पर, जैसे कि ये वाले दिख रही है, ऐसे दुकानों में हमें जूते खोल के जाने पड़ते हैं या तो अंदर भी शायद हो सकते हैं जूते खोलने का, पर हम यहाँ पर ही जूते खोल के जा रहे हैं और इधर से पूजा का सामान हम ले रहे हैं। जैसे मैंने बोला था कि फोन अलाउड नहीं था, फोन बिल्कुल अंदर तक, अंदर के उसमें भी फोन अलाउड नहीं था। पिक्चर है या तो कोई वीडियो है कुछ भी नहीं कर पाए हम। इतना ही व्यूज मैं ले पाया जो भी है बाहर से, इतना ही ले पा रहा हूँ क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है। ये अंदर का जो मंदिर है मेन मंदिर है वही है जहाँ पर, मतलब जो काली माता की मूर्ति है ना वो यहाँ पर ही है, ये यही है इसका मेन मंदिर। और भी जितने भी सारे मंदिर है, बहुत सारे शिव मंदिर है, जो मेन मंदिर है काली माता की मंदिर वो यही मंदिर है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये वाला जिसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये वाला मंदिर है। बस बाहर से इतना अच्छे से नहीं देख रहा पर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है और वेस्ट बंगाल का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेंपल यही है। इतना सुंदर टेंपल शायद वेस्ट बंगाल में बहुत कम होगा और कोलकाता के अंदर सबसे सुंदर बोले तो ये टेंपल है। ये मंदिर का जो बैक साइड है ना जहाँ पर जितने भी शिव मंदिर है, शिवलिंग्स है, इसमें सारे शिव मंदिर है। एक तो मेन मंदिर है और ये वाले छोटे छोटे मंदिर जो शिव भगवान के लिए है। A few moments later. बोल कुछ बोल रहा था ना, बोल नहीं बोलना, बोलना बोल बोल, बोल। मैं तुझे बोलना है नहीं बोल। बोलना बोलना है तेरे को बोल, तू मैं नहीं बताऊंगा बोल, अरे बोलना, अरे बोलना, तो गाइस ऐसा है जो हमारा जो प्लान था जाने का वो कैंसिल हो गया और हम अभी अलीपुर जू जा रहे हैं पहले क्योंकि वहाँ पर लेट हो जाएंगे, जू बंद हो जाता है, तो हमें जल्दी जाना था तो हम इसलिए जल्दी ही निकल रहे हैं ताकि हम जल्दी पहुँच जाए क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएंगे तो हमें दिक्कत हो सकता है। तो हम अभी निकल रहे हैं अलीपुर जू के लिए। तो अगर बाहर जाएंगे, बाहर जाके अगर बस अगर सही चला तो बस से निकल जाएंगे या तो ऑटो कर लेंगे या तो फिर ओला करके चले जाएंगे, जो हमें सस्ता पड़ेगा वैसे करके चले जाएंगे। अलीपुर जू है वहाँ पर पहुँच गए हैं एंड पहुँच मास्क पहन के रखा है क्योंकि मास्क यहाँ पर मैंडेटरी है। यार हमें पहनना चाहिए क्योंकि थोड़ा कोविड का जो केस है वो फिर से इस साइड थोड़ा हाई हो रहा है, तो पूरा प्रिकॉशन लेके चल रहा हूँ मैं। हाँ भैया मास्क मैंडेटरी है। क्या बोला तूने? थोड़ा सा उठ गया, अरे मुंह दिखा दे, अरे इतने दूर से आए थोड़ा मुंह दिखा दे। तो गाइस ऐसा लगता है ना ये जू ना थोड़ा छोटा है, जहाँ तक मैं दिल्ली और कहीं और भी घूमा हूँ ना तो ये जू थोड़ा छोटा लग रहा है। अभी देखते हैं घूमते हैं, पर यहाँ पर ना थोड़ा दूर दूर से ही थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ही है और दूर में बैरिकेड टाइप बना हुआ है, तो काफी दूर से हम देख रहे हैं तो उसमें ना वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा। खाली केज कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं, अभी हम चार पांच केज में घूम चुके हैं, सारे के सारे खाली हैं, कुछ दिख तो नहीं रहा पर ये दिख रहा है। तो
गाइस ऐसा है, जू में तो हम गए घूम लिया, जितना भी हमने घुमा वो हमने डाल दिया, ठीक है। आधा जितने भी पिंजरे थे सारे के सारे खाली थे, कुछ में क्या थोड़े बहुत ही थे जो सोए हुए थे, वरना सारे पिंजरे खाली थे। दिखाने लायक कुछ था नहीं, सच में ये छोटा ही जू था।